हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू आज हम लोग यहाँ पर एन जिसे हमने समरी स्टार्ट करी थी एन बुक से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका आज हम लोग पार्ट फाइव कंप्लीट करने जा रहे हैं इसके अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे कि यहाँ पर बात की गई है कैसे कैसे बदले घर तो इसमें आपको सिर्फ एक कहानी याद रखनी है कि हरियाणा की कुछ कहानी है इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आपका हरियाणा से बनेगा देखो एक बड़ा बदलाव कब आया था जब मैं नौ वर्ष का था समझो लगभग साठ साल पहले ठीक है एक व्यक्ति अपनी कहानी सुना रहा है साठ साल पहले वो नौ वर्ष का था हम समय उस समय हम लोग डेरा गाजी खान में रहते थे ये जो लोग थे ये सारे जो हैं डेरा खाजी खान में रहते थे आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी उस समय मुझे भी कुछ समझ नहीं आया बस बाबा ने बताया कि हमें गाँव छोड़कर दूसरी जगह जाना है ठीक है दूसरी जगह जाना है मुझे अपना घर अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था वहीं पर मेरे सारे दोस्त और सब कुछ रहते थे फिर हम लोग ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ गए क्योंकि उस समय हो रहा था भारत पाकिस्तान का जो है भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो यहाँ पर जो लोग इंडिया में आना चाहते थे वो इंडिया में आकर जो लोग जाना चाहते थे वो लोग चले गए तो ये कहानी बताई गई है तो आपको यहाँ से एक चीज ध्यान रखनी है सिर्फ कि ये जो डेरा गाजी खान है ये कहाँ पर स्थित है ये पाकिस्तान में स्थित है इसलिए इस गाँव का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है और यहाँ पर टीचर के लिए मतलब पैडागोजिकल पॉइंट क्या है कि यहाँ पर इस लेसन को पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना पड़ेगा अंग्रेजों के समय पर भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे का इतिहास जो है उनके साथ बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें जो है ये सारे पॉइंट्स जो है बच्चों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और भारत के नक्शे में भारत और पाकिस्तान कहाँ कहाँ है ये सारी चीज़ें दिखानी है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जब इन बच्चों ने इन लोगों ने ये गाँव छोड़ा तो ये जो गुड़िया है जिसने अपनी कहानी बताई हुई है ये बताती है कि हम लोगों को बाबा ने इसके बाबा ने इसे बताया था कि सोहना गांव में एक जमीन मिली अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोहना गांव कहाँ पर है तो सोहना गांव कहाँ पर है सोहना गाँव गाँ हरियाणा में ठीक है हरियाणा में इन्हें जगह मिली थी अब ये घर कैसे बनाते घर बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान होगा सीटेट में एक क्वेश्चन हमेशा से ही पूछा जाता है कि गोबर से जब जमीन पर लिपाई की जाती है तो उससे क्या होता है तो एक डाउट रहता है कि उससे फर्श सुंदर दिखता है या फिर फर्श खुरदुरी हो जाती है तो उसका सबसे बेस्ट आंसर ये होगा कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है देखो यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि हमने घर बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट किया ठीक है बाबा के पास बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी मिट्टी को खोदा गया सबसे पहले हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई ठीक है वो मिट्टी वाली प्रोसेस हो रही है गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया और बाबा ने दीवारें बना दी हम आसपास के घरों से गोबर ले आए अम्मा ने उस मिट, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग हमारे पुराने घर में करते थे अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी को कीड़ा नहीं लगता है जब गोबर डाला जाता है और इस तरीके से लिपाई की जाती है तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अब बात आती है छत बनाने की तो छत बनाने में क्या किया जाता है लकड़ी के फट्टों से जोड़ जोड़ कर एक एक फ्रेम करके छत को बनाया जाता है और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया जाता है अब इस लकड़ी को दीमक ना लगे ये जो लकड़ी के फट्टे यहाँ पर यूज किए गए इसमें दीमक ना लगे इसके लिए क्या किया जाएगा नीम और कीकर की लकड़ियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ठीक है ये चीजें आपको समझ में ही सबसे पहली चीज तो आपको क्या ध्यान रखनी है कि गोबर जब लीपा जाता है गोबर की लिपाई की जाती है तो उसके क्या फायदे है क्योंकि वहां पर जो है कीड़ा नहीं लगेगा और लकड़ी अगर यदि हम लोग नीम और कीकर की प्रयोग कर रहे हैं कीकर और नीम के वृक्ष की, की प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उससे दीमक नहीं लगेगा इसीलिए गोबर की लिपाई की जाती है और नीम और कीकर की लकड़ी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ठीक है इस चैप्टर में यही सारी चीजें सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पर कि ये जो गाँव है डेरा गाजी खान डेरा गाजी खान कहाँ पर स्थित है अभी पाकिस्तान में स्थित है ठीक है और फिर ये जो सोहना गांव में आते हैं सोहना गांव कहाँ पर स्थित है सोहना गांव हमारा हरियाणा में स्थित है और मिट्टी के जब घर बनाए जाते हैं तो किन किन चीजों का यूज किया जाता है किन किन चीजों का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए फिर इसके अंदर बेसिक सी बातें आती है देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोहना गांव जो है हरियाणा में स्थित है बच्चे को नक्शे में हरियाणा को ढूंढने के लिए बोल सकते हैं और इस प्रकार से घर बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है ये हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं चलिए अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं पहाड़ों से समुद्र तक यहाँ पर आपको पानी के बारे में बताया गया कि पानी से क्या क्या चीजें होती है पहाड़ों से समुद्र तक मतलब कि देख लेते हैं नदी के चित्र को ध्यान से देखो नदी के चित्र को देखना नदियों में कौन कौन से जीव होते हैं क्या क्या कार्य होते हैं नदियों से ये सारी चीजें इस चैप्टर में हैं तो हमारे पढ़ने जैसी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि नदियों में किस किस प्रकार से प्रदूषण होता है वहाँ के रहने वाले जो जली जीव हैं किस प्रकार से उनके यहाँ पर मृत्यु हो जाती है ये सारी चीज़ें बताई गई है इसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस करना वो है पानी को शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप अपने घर में पानी को शुद्ध कैसे करते हो तो हम लोग आसवन विधि के माध्यम से कर सकते हैं पानी को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं ठीक है पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर शुद्ध कर सकते हैं या फिर आर फिल्टर लगाकर भी हम लोग पानी को शुद्ध कर सकते हैं ठीक है ये क्वेश्चन आपको ध्यान होगा अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक टेस्ट दिया था उसके अंदर हमने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था कि पानी को शुद्ध करने के कौन कौन से तरीके होते हैं एक तो उबालकर था क्लोरीन की गोलियां मिलाकर एक फिटकरी मिलाकर था और एक और ऑप्शन और था पानी को छानकर तो हमने देखा था पानी को छानकर सिर्फ उसकी गंदगी दूर की जा सकती है उसके अंदर यदि धूल मिट्टी के कण है तो उस अशुद्धि को दूर किया जा सकता है पानी को साफ नहीं किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर हमारे क्या चीजें ध्यान रखनी है कि पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है आसवन करके कर सकते हैं ठीक है थीके? उबाल कर कर सकते हैं क्लोरीन की गोलियां मिलाकर कर सकते हैं और आरओ फिल्टर के द्वारा हम लोग पानी को शुद्ध कर सकते हैं ठीक है थीके? यही चैप्टर है ये वाला जो चैप्टर है हमारा पहाड़ों से समुद्र तक इसमें एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है बाकी सब चीजें कि पानी को कैसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए समुद्र के किनारे यदि मछलियां मर रही है तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो जल प्रदूषण वाली बातें कि किस प्रकार से हम लोग नदियों को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं चलिए अगला चैप्टर है हमारा बसवा का खेत यहाँ पर खेत के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि खेत में काम करने के लिए किन किन यंत्रों का किन किन संयंत्रों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है तो देखो जो जो भी नाम यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं हम लोग उनकी बात करते हैं वैसे तो इस लेसन में किसकी बात हो रही है इस लेसन में प्याज की फसल की बात हो रही है कि प्याज की फसल कैसे आती है और किस किस तरीके से प्याज की फसल को बोया जाता है कब काटा जाता है किस प्रकार से सफाई की जाती है कब खरपतवार को हटाना चाहिए ये सारी चीजें हैं ठीक है इसमें हम लोग तीन चीजें देख लेते हैं तीन यंत्र के नाम हमसे पूछे जाते हैं सबसे पहला जो मैंने आपसे होमवर्क में पूछा था कि जो कुरीगे होता है उसका कुरीगे को हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं तो ये कुरिगे है ठीक है इसे आप देख सकते हैं ये कुरिगे है इसे कुरीगे बोला जाता है हम लोग इसे अपनी भाषा में हल बोलते हैं ठीक है नॉर्मली इसका सही नाम कुरीगे है आप चाहें तो लिख सकते हैं कु री ये इसका नाम क्या है हम अपने इलाके में इसे हल बोलते हैं क्या काम आता है ये बीज डालने वाला यंत्र हो गया ठीक है आगे बात करते हैं हम लोग अगला ये जो आप दूसरे नंबर पर देख पा रहे हैं ये क्या है इसे खूटी बोला जाता है खूटी इसका नाम है हमारे इलाके में हम लोग इसे कुदाल बोलते हैं ठीक है आपको अपने इलाके के नाम भी पता होने चाहिए और साथ में इसके जो सही नाम है वो भी पता होना चाहिए नाम क्या हो गया इसका खूटी कुदाल इसे बोला जाता है काम क्या होता है मिट्टी को नरम करने का ये कार्य करता है ठीक है यही चीज़ें हमने पढ़ी हुई है हमारा एक चैप्टर भी आपको ध्यान हो तो चैप्टर ट्वेंटी वन करके है जिसमें हमें सारे कृषि के यंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है अगला इसे हम लोग हसिया बोलते हैं ठीक है हसिया बोला जाता है इसे इसका सही नाम इलीगे है आप चाहे तो इस नाम को लिख सकते हैं इलीगे इसे बोला जाता है और हमारी लैंग्वेज में हम लोग इसे हसिया बोलते हैं कार्य क्या होता है सब्जियां आदि कुछ चीज़ों को काटने में ये काम आता है ठीक है इस तरीके से इसे अपन दराती भी बोलते हैं ठीक कल सिकल सेल आपको याद आ रहा होगा सिकल सेल एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें हमारी जो आर होती है रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसका आकार इस शेप का हो जाता है आर वैसे गोल होती है लेकिन कुछ बीमारी के कारण सिकल सेल बीमारी के कारण इसका आकार जो इस दतिया इस हसिया इस इलीगे के शेप का हो जाता है आनुवंशिकता के थ्रू आती है बीमारी सी में हम लोगों ने पढ़ा और ई में भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ठीक है इस चैप्टर में हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है कि कुरु के जो है बीज डालने वाला यंत्र हल्दी से बोला जाता है खूटी कुदाल बोला जाता है मिट्टी नरम करने के काम आता है हसिया या इली के या फिर दराती जो सब्जियां आदि ये चीजें जो होती इनको काटने के काम आता है अब ये जो बसवा जो बच्चा है यहाँ पर ये कहानी ये है कि बसवा एक बच्चा है ठीक है उसके खेत में प्याज लगाए जा रहे हैं तो वो खेत में ही काम करता रहता है उसे कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला या फिर गया भी था तो उसने अपना स्कूल को छोड़ दिया तो वो अपनी कहानी यहाँ पर सुनाता है तो यहाँ पर हम बच्चों को अवेयर कर सकते हैं कि स्कूल जाना कितना ज्यादा जरूरी है ठीक है तो अब एक चीज और यहाँ पर आएगी आपकी कि मैं बसवा मैं कर्नाटक के बेलवनी का गाँव में रहता हूँ बसवा जो है कहा ये जो बसवा बच्चा है ये कहाँ पर रहता है ये कर्नाटक का बेलवनी का गांव है यहाँ पर रहता है ठीक है तो क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है सबसे पहला पॉइंट बसवा एक बच्चा है कहाँ पर रहता है कर्नाटक के बेल वनीका गाँव में तो आपसे पूछा जाएगा बेल वनीका गाँव किस राज्य में है कर्नाटक में जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि गाजी खान डेरा जो है कहाँ पर है पाकिस्तान में है सोहन गाँव कहाँ पर है तो सोहन गाँव हरियाणा में है इसी तरीके आप से आपसे बहुत सारे गाँव के नाम पूछ लिए जा सकते हैं ठीक है चलिए अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं चलिए अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर फिफ्टीन मंडी से लेकर घर तक रात में दिन यहाँ पर एक विशाली एक गुड़िया है एक बच्ची है वो बताती है कि उसके पापा जो है सब्जी बेचते हैं कि मंडी में जाकर सब्जी बेचते हैं तो वो रात में सुबह के तीन बजे ही उठ जाते हैं और काम करना अपना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सिक्स थर्टी साढ़े छः बजे उन्हें मंडी में सब्जी लेकर जाना होता है तो सब्जी को साफ करना पानी छिटकना ये सारे काम ये तीन बजे उठ कर करते हैं तो पूरे चैप्टर में यहाँ पर ये कहानी बताई गई है कि किस तरीके से मंडी में जाया जाता है फिर तो बच्चों से पूछा जाता है कि बताइए मंडी में क्या क्या काम होते हैं तो इसमें एन से हमारी एग्जाम में पूछने वाला एक भी पॉइंट नहीं है तो इस चैप्टर को हम लोग स्कीप कर रहे हैं पी डी एफ आपके पास है आप चाहें पढ़ना चाहें पूरे चैप्टर को तो आप पढ़ सकते हैं ठीक है बच्चों को बस टाइम देखना सिखाया जाता है और सब्जियों के बारे में पूछा जाता है कि भिंडी कहाँ से मिलती है भिंडी कितने टाइम में मिलती है मतलब इस तरीके से कितने समय में लगती है कौन से महीने में भिंडी आती है ये सारी चीज़ें बच्चों से पूछी जाती है और उनके दाम भी यहाँ पर पूछे जाते हैं कि भिंडी जो है कितने रुपए की आती है एक किलो आलू आप लेने गए तो कितने रुपए के आएंगे इस तरीके से बच्चों से बेसिक चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है ठीक है तो चलिए हम लोग अगले चैप्टर पर मूव कर रहे हैं चलिए अगला चैप्टर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर सिक्सटीन इसके अंदर हम लोग चिड़िया यानी चिड़िया के बारे में पढ़ेंगे साथ ही सारे पक्षियों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कबूतर दर्जिन जो चिड़िया होती है नॉर्मल चिड़िया होती गोरे या जो होती है सारे ही जानवरों के बारे में हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अध्यापक के लिए गीजू भाई बदेखा जो है गुजरात में रहते हैं आपने ये नाम सुना होगा ये क्यों प्रसिद्ध है क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं ठीक है गीजू भाई बदेखा कौन है गुजरात में निवास करते हैं वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से कहानियां और पत्र लिखते हैं उनके द्वारा बच्चों को लिखे गए पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया है इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने में प्रोत्साहित करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के पक्षियों को देखें उनको समझें कि वो क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं उनके बारे में जाने ठीक है अभी देखते हैं इस कहानी को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते, है। सबसे पहले हम की बात करते है। हैं गोरे या फाकता शकर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रहे हैं कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है कुछ घोंसलों ने अंडे में बच्चे भी आ गए कुछ घोंसलों में जो अंडे पड़े हुए उसमें बच्चे भी निकल कर आ गए उन नन्हे बच्चों को माँ बाप उन्हें तरह तरह के की कीड़े और अन्य चीजें खाने को देते हैं हमारे आंगन में भी उसके घोंसले में अब एक एक है, है से पक्षी की बात कर लेते कि कौन सा पक्षी किस तरीके के घर बनाता है देखो यहाँ पर जो है कल चीड़ी है कल चीड़ी इंडियन रॉबिन के नाम से इसे जाना जाता है इंडियन रॉबिन पक्षी के नाम से इसे जाना जाता है इस तरीके से ये दिखती है बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी मतलब जगह की बात हो रही कहानी है ये पूरी कल चिड़ी इंडियन रॉबिन के नाम से जाना जाता है उसका घोसला किससे बना हुआ है उसका घोसला जो है घास से बना हुआ है उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी जड़े ऊन बाल रुई सब बिछा रखा है कल चिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है मतलब बहुत सॉफ्ट तरीके से वो बनाती बहुत सॉफ्ट मटेरियल यूज करती है इसके विपरीत जब हम कोवे की बात करें तो कोवे का जो घर होता है वो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें उसके अंदर हो सकती है लेकिन कल चिड़ी हमेशा सॉफ्ट मटीरियल जो होते हैं उन्हीं का यूज करती है जैसे ऊन हो गए बाल रुई सब बिछा देती है जड़े बिछा देती है ताकि नाजुक टहनिया ले लेती ताकि उसके जो अंडे जब वो दे तब कोई भी जब बच्चे आए तब कोई भी कष्ट उन्हें ना हो तो ये दो डिफरेंस आप याद रखेंगे कल चीड़ी और कोवे के घोसले के बारे में आगे बात करते हैं इसमें आगे बताया हुआ है कि कलचिड़ी के घोंसले में बच्चा देखा गया तो उसने अपनी चोंच खोल रखी थी तो चोंच कैसी थी इसकी चोंच जो है रेड कलर की होती है तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कलचिड़ी जो होती है सबसे पहले सबसे सॉफ्ट मटीरियल का यूज करती है अपने नेस्ट अपने घोंसले को बनाने में और साथ ही जो है क्या है इसकी चोंच कैसी होती है रेड होती है उसके बाद कोए की हमने बात कर ली उसके बाद अपन बात करते हैं कोयल की कोयल के अंदर क्या खास बात है देखो कोयल बहुत मीठा गाती है पर हमें ये चीज पता है कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है वो कोए के घोंसले में जाकर अपने अंडे दे देती है और कोआ ही उसके अंडों को सेता है जब वो अंडे से कोयल बाहर निकल कर आ जाती है तो वो उड़ जाती है ठीक है तो ये कोयल की बात हो गई कि ये कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों में निवास करते हैं लेकिन कोयल का अपना कोई घोंसला नहीं होता है ठीक है अगले पॉइंट की बात करते हैं नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है उस पर भी एक घोंसला लटका हुआ है पर इसका बहुत डिफरेंस है दूसरे घोसला घोसलो से देखो कोवा जो है सबसे पेड़ की ऊंची डाल के ऊपर अपना घोसला बनाता है लेकिन जो ये फाकता पक्षी होता है ये कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की जो मेड़ होती है उसके बीच में अपना घोसला बनाई देता है ठीक है और गोरेया जो है आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती है वह कहीं भी घोंसला बना लेती है जैसे गोरेया जो होती है वो कहीं पर भी चिड़िया जो होती है कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है घर में अलमारी के ऊपर या फिर दरवाजों के ऊपर कहीं पर भी घोंसला बनाती है लेकिन फाकता जो होता है कैक्टस के कांटों के बीच में या जो मेहंदी के जो पेड़ होते हैं उनके बीच में अपना घोसला बनाता है ठीक है ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं आगे बात करते हैं अगली की बात करते हैं अगली कौन है दर्जिन चिड़िया की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दर्जिन चिड़िया जो है जैसा नाम वैसा काम अब दर्जिन का काम क्या होता है कपड़े सिलना तो ये दर्जिन चिड़िया भी अपने घोंसले का जो निर्माण बिल्कुल इतनी बारीकी से करती है अपनी चोट से उन पत्तों को सिल लेती है सिलने के बाद बिल्कुल जो है एक थैली टाइप बना लेती है उस थैली के अंदर वो अपने अंडे देती है ताकि वो बहुत ही सेफ और बहुत ही सुरक्षित रहे तो ये दर्जन चिड़िया की यहाँ पर बात हो गई आगे बढ़ते एक बार सारे पढ़ लेते उसके बाद हम लोग सारे ही रिवाइज कर लेंगे शकर खोरा जो है किसी पेड़ की झाड़ी या फिर उसकी डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं ये आप देख सकते हैं लटकता हुआ घोसला यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है पेड़ की डाली पर इस तरीके से लटकता हुआ घोसला ये बनाएंगे उसी शाम हमने एक डाल हमने एक डाल से टंगा हुआ शक्करखोरा का घोसला देखा क्या तुम जानते हो यह घोंसला किन चीजों से बनता है शक्करखोरा जो है अपना घोसला किन चीजों से बनाता है घोसले में बाल बारीक घास पतली टहनिया सूखे पत्ते रूई पेड़ आदि छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े तक तक होते हैं कि मकड़ी के जाले भी उठा लाता है और उस जालों से भी अपने अपने घर को घोसले का निर्माण यहाँ पर करता है जब उन्होंने दूरबीन से देखा जब पक्षी ने दूरबीन पक्षी ने जब उस बच्चे ने दूरबीन से देखा तो उसने घर के अंदर क्या देखा घोसले के अंदर एक छोटा सा छेद था वही एक बच्चा बैठा हुआ था अपनी माँ के खाने का इंतजार कर रहा था उसको और काम भी क्या होगा खाना और सोना उनका काम ही क्या होता है पक्षी का खाना और सोना ठीक है ये सारे पक्षियों की बात हो गई एक की और बात कर लेते हैं ये जो आप यहाँ पर घोसला देख पा रहे हो वीवर पक्षी का इसे वीवर पक्षी बोला जाता है देखो ये वीवर पक्षी क्या होते हैं किस तरीके से कार्य करते हैं इनके बारे में देख लेते हैं सभी नर वीवर पक्षी जो होते हैं मेल जो होते हैं वो अपने घोसला बनाते हैं और मादा वीवर का, का काम क्या होता है उन घोसलों की रक्षा करना ठीक है उनमें अंडे देने का कार्य मादा वीवर यहाँ पर करती है चलिए एक बार अभी तक जितने भी हमने घोसले नेस्ट के बारे में देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर जानवर जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं उनके दांतों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब हमने देखा था गीजू भाई वधेका कौन है ठीक है गीजू भाई वदेखा कौन है तो ये गुजरात के हैं ठीक है ये बच्चों के लिए पत्र पत्रिकाएं लिखकर काफी रोमांचित तरीके से बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों के बारे में जानकारी देते पत्र पत्रिकाएं और कहानियां लिखना इन्हें पसंद है फिर हमने कल चिड़ी कल चिड़ी का एक और नाम क्या है कल चिड़ी का एक और नाम इंडियन रॉबिन है इनकी चोच रेड होती है ठीक है अंदर से रेड होती है यह अपने घोंसले का निर्माण कैसे करती है ये अपने घोंसले का निर्माण बहुत नाजुक टहनियों से और बहुत नाजुक मटेरियल जो होता है जैसे ऊन वगैरह हो गया इससे करती है फिर हमने देखा कोवा जो है सबसे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना गोवा अपना जो है घर बनाता है और इसका घर काय का बना होता है तार का बना हुआ रहता है लोहे के तार भी ये लेकर आ जाता है टहनियों वगैरह का इसका घर बना हुआ रहता है और सबसे ऊंची डाल पर ही अपना घर बनाता है अब अपन कोयल की बात करें तो कोयल अपने घोंसले का निर्माण कभी भी नहीं करती वो कोए का जो घोंसला होता है उसी के अंदर अपने आ, अंडे दे देती है ठीक है अब अपन बसंत कोरिया की बात करें बसंत गोरिया जो कहीं पर भी अपना घोसला बना लेती है ऐसा कोई फिक्स नहीं है घर में भी बना लेती है अलमारी के ऊपर घोसला बना, बना लेती है ये तनों के अंदर भी अपना घोसला बना लेती है तने जो होते हैं उनको काट कर उनके अंदर भी अपना घोसला बना सकती है तो एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम में कि बसंत गोरिया के अलावा ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोसला जो है तनों को काट कर बनाता है तने के अंदर बनाता है तो फिर वहां पर हमारा ऑप्शन में था वुड पेकर ठीक है ऑप्शन ही हमें वुड पैकर दिया था ताकि हम लोग कन्फ्यूज हो जाए वैसे वुड पेकर को हिंदी में कठ फोड़वा बोला जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा कठ फोड़वा फोड़वा और बसंत गोरिया ऐसे है, पक्षी हैं जो तने को काट uh, कर तने के अंदर अपना घोसला बनाते हैं ठीक है चलो और कौन से पक्षी के बारे में देखा एक हमने फाकता के बारे में भी देखा था कि फाकता क्या करता है फाकता जो है सबसे अलग ही पक्षी है बहुत कटीली झाड़ियों में अपना घोसला बनाता है जैसे कैक्टस के पौधों के बीच में बना लेता है और मेहंदी की जो डाली होती है उनके बीच में अपना घोसला बनाता है तो ये फाक्ता पक्षी की विशेषता हो गई दर्जन चिड़िया की क्या विशेषता हो गई दर्जिन चिड़िया जो है क्या करती है नुकीली चोच उसकी रहती है पत्तों को या फिर जिससे भी वो घर बना रही है उसको पूरा सिलकर अपना घर बनाती है थैली नुमा पूरी संरचना बना लेती है अपने घर की ताकि कोई भी नुकसान ना हो उसके अंडे गिरने का कोई भी खतरा वहां पर ना रहे फिर हमने देखा शकर खोरा शकरखोरा जो पक्षी है वो क्या करता है अलग ही टाइप का होता है बिल्कुल डाल से टंगा हुआ एक घोसला बनाता है जैसे हम लोग कोई थैली को, को हैंग करते हैं थैली को टांगते हैं वैसे ही डाल से टंगा हुआ अपना घोसले का निर्माण करता है इतने सॉफ्ट मटेरियल यूज करता है कभी कभी तो ये मकड़ी के जाले भी उठाकर लेकर आ जाता है अपने घर को बनाने के लिए कपड़ों के चिथड़े भी उठा लेता है कपड़ों के चिथड़ों से भी अपना घर बना लेता है फिर हमने देखा है वीवर पक्षी के बारे में वीवर पक्षी में नर और मादा के बारे में हमने देखा था नर जो है घोसला बनाने का कार्य करते और मादा जो है उसकी सुरक्षा करती और अंडे देने का कार्य यहाँ पर करती है ठीक है ये सारी पक्षियों की बातें हो गई आगे हम लोग बात कर लेते हैं गीजू भाई का वही सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछे हुए हैं देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है एक पक्षी ऐसा जिसके दुम पर है पैसा सिर से दुम तक नील दिखे वो नीला नीला अब देखो बात यहाँ पर क्या और एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा आपको पता होगा मोर की जो पंख होते हैं उससे लिखाया भी जाता है उसमें शाही डालकर इस तरीके से लिखते भी हैं ठीक है थीके? सिर से दुम तक दिखे वो नीला नीला ठीक है तो ये बात किसकी हो रही है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर की यहाँ पर बात हो रही है अगला क्वेश्चन है क्या बसंत गोरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तने में अपना घोसला देता है क्या घोसला बनाता है क्या तो हाँ कटफोड़वा बनाता है वुड पेकर बनाता है और सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ था चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देखो यहाँ पर पक्षियों के पंजे की बात हो रही है कि पक्षियों के पंजे जो होते हैं कितने तरीके के होते हैं एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं पानी में तैरने के लिए इस प्रकार के पंजे होते हैं पक्षी के टहनियों को पकड़ने के लिए इस प्रकार से होते हैं शिकार को पकड़ने के लिए उनके पंजे पर नाखून पाए जाते हैं ठीक है और ये क्या है पेड़ पर चढ़ने के लिए इस प्रकार के पंजे पाए जाते हैं और जमीन पर चलने के लिए इस प्रकार के पंजे यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है ये पंजों के प्रकार हो गए कितने तरीके के पंजे होते हैं शिकार करने के लिए नाखून पाए जाएंगे टहनियों को पकड़ने के लिए बहुत पतले नाखून और लंबी लंबी सिर्फ उनके पंजे होंगे पानी पर तैरने के लिए अलग प्रकार के होंगे पेड़ पर चढ़ने के लिए अलग प्रकार के होंगे और जमीन पर चलने के लिए अलग प्रकार के यहाँ पर पर प्रयोग किए जाएंगे अगला पॉइंट देखते हैं देखो अब चोच की भी बात कर लिए मांस को चीर फाड़ करने के लिए इस प्रकार की चोच पाई जाती है लकड़ी में छेद करने के लिए जैसे कटफोड़वा हो गया इस प्रकार की चोच पाई जाती है फूलों का रस चूसने के लिए चोच अलग प्रकार की होती है कीचड़ में छानबीन करके कीड़ों को खोजने के लिए अलग चोच पाई जाती है बीजों को दबाकर तोड़ना है तो उसके लिए अलग प्रकार की चोच पाई जाएगी और काटना है जैसे कुआ हो गया तो उसके लिए अलग प्रकार की चोच पाई जाती है ठीक है ये चोच के बारे में बात हो गई अगला हम लोग बात करते हैं जानवरों के दांतों के बारे में आपको पता है क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जीव है जो जिसके दांत बढ़ते रहते हैं और आवश्यकता होती है कि बार बार वो अपने दांतों को क्या करे घिसता रहे ठीक है क्वेश्चन सी डेट में पूछा हुआ है तो दांतों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें गाय के आगे के दाँत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए घास चबाने के लिए पीछे के दाँत चपटे और काफी बड़े होते हैं तो ये गाय के दाँतों की विशेषता हो गई क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जीव है जिसके आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और काफी बड़े होते हैं गाय बिल्ली कुत्ता शेर इस तरीके से तो आपका आंसर वहां पर गाय होना चाहिए दूसरा है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम में आते हैं अब यहाँ पर सांप के दांत तो नुकीले होते हैं पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल कर खा जाते हैं नुकीले होते हैं इनके दांत लेकिन ये पूरा निगलना इनको पसंद होता है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते नहीं है ठीक है इसीलिए ये क्या करते हैं अपने दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते नहीं है इसीलिए इन्हें कुतरना पड़ता है नहीं तो इनके दांत बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये क्वेश्चन ये गिलहरी वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे चलिए अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर सेवेंटीन नंदिता मुंबई में नंदिता जब पहली बार मुंबई में जाती है सेम सीन आप देख सकते हैं आ, मुंबई में जाते तो इसी प्रकार से झुग्गी झोपड़ियाँ सबसे पहले जैसे ही हम लोग मुंबई में एंटर होते हैं सबसे पहले इसी प्रकार की झुग्गी झोपड़ियों से हमारी प, हमारा परिचय होता है ये हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर बेसिक सी बातें बताई गई है कि मुंबई में कितनी प्रकार की बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं और झुग्गी झोंपड़ियाँ जो होती है उनके अंदर क्या अंतर होता है किस प्रकार की समस्याओं को यहाँ पर झेलना पड़ता है जैसे कि पानी की किल्लत होती है रहने की समस्या होती है उतनी ही ज़्यादा जितनी बड़ी सिटी होगी उतनी ही ज़्यादा आसपास में गंदगी होगी यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई हुई है तो बच्चों के साथ क्या करना होता है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है कि कितनी प्रकार की समस्याएँ बड़े शहरों में देखने को मिल सकती है ठीक है चलिए अगले चैप्टर की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसमें एन जैसा कोई पॉइंट नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता हो अगला चैप्टर चैप्टर हमारा 18 पानी कहीं कम कहीं कम ज़्यादा तो देखो यहाँ पर आपने कर्नाटक का होलागुंडी गांव के नाम से सुना होगा कि होलागुंडी गांव है तो उसी के बारे में डिटेल आज के चैप्टर में हमें मिलने वाली है तो सबसे पहले तीन गांव की डिटेल हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्यास कैसे बुझाएं तो देखो यहाँ पर आंध्र प्रदेश के नला मडा जो गांव है उसकी बात हो रही है नल्ला मड्डा आंध्र प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही है यहाँ पर बस ऐसे ही कोई व्यक्ति आता है उसको चाय पानी के लिए पूछा जाता है तो बस यहाँ पर बेसिक बताया गया है कि नला मडा जो है कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में ठीक है सबसे पहली चीज तो ये यह। यहाँ पर इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक पानी पूछा जाता है क्या पानी पियेंगे क्या चाय पियेंगे ड्रिंक पियेंगे कॉफ़ी लेंगे इस तरीके से पूछा जाता है तो मेन चीज हमें क्या ध्यान रखनी है नला मड्डा कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में है उसके बाद पानी का खेल कहाँ पर होता है तो पानी का खेल बाजार गांव में होता है बाजार गांव कहाँ पर है बाजार गांव महाराष्ट्र में क्वेश्चन ये बनेगा कि बाजार गांव कहाँ पर स्थित है बाजार गाँव महाराष्ट्र में स्थित है तो पहला क्या बन गया नल्ला मडा कहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश में बाजार गांव कहाँ पर है बाजार गाँव महाराष्ट्र में स्थित है ठीक है यहाँ पर बच्चों को बस बताया जाता है कि जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो आप क्या क्या चीजें देख सकते हो जिससे बच्चे यदि लिफ्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो लिफ्ट के बारे में बच्चों को इस चैप्टर में जानकारी दी गई है ठीक है है एक मेन पॉइंट पर आता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं देखो कर्नाटक के होलगुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी जैसे कि होलगुंडी एक गांव है यहाँ पर कर्नाटक में है होलगुंडी गांव क्या होता है कि यहाँ पर पानी बहुत ही कम आता है कर्नाटक जैसी जगह में पानी बहुत कम आ रहा है तो लोग आ, मतलब आदत पड़ गई थी लोगों की हाँ चलो हमारे इधर कम पानी होता है और बहुत ही किल्लत हो रही थी तो फिर कुछ बच्चे थे उन बच्चों ने इस चीज को पूछा कि पहले तो ऐसा नहीं होता था अब दो तीन सालों से ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे यहाँ पर पानी बहुत कम हो रहा है पानी की बहुत किल्लत पड़ गई है सूखने लगा है सब कुछ इस तरीके से तो ये एक संघ है ये एक भीमा संघ है बच्चों का एक भीमा संघ आप इसे बोल सकते ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है तो ये भीमा संघ क्या करता है पहले बड़ों से सारी जानकारी लेता है कि पहले क्या था ऐसा तो पहले किन लोगों ने इनके साथ चर्चा करी मैं आपको शॉर्ट में पूरी कहानी सुना देती हूँ कि पहले क्या होता था पहाड़ी के ऊपर एक टंका हुआ करता था जिसमें बहुत पानी भरा हुआ रहता था उसी की वजह से पूरे क्षेत्र में क्या होता है अच्छी नमी बनी हुई रहती थी पेड़ पौधे हरे भरे रहते थे मछलियां सब कुछ अच्छा था फिर इन बच्चों ने पता किया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है तो बच्चे पहाड़ी पर गए उन्होंने देखा था कि जो टंका जो पूरा बना हुआ था एरिया वो पूरी तरीके से खराब हो चुका था उसमें पत्थर कीचड़ जमा हुआ था और जो दीवारें भी थी उस दीवार की वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी पड़ चुकी थी जिसकी वजह से जो वहां पर घाटी टाइप जो इलाका है वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होता था और बारिश के टाइम पर ही बह जाता था फिर बच्चों ने पूरी मेहनत करी सब लोग मिले सारे बच्चे मिले पूरा भीमा संघ मिला उन्होंने उसकी पूरी सफाई करवाई बड़े लोगों की मदद से उसकी पूरी सफाई करवाई उसको पूरा अच्छे से रेडी किया उसकी दीवारों को पूरा से वापस से बनाया तो इससे क्या हुआ छोटे छोटे बांध बनाए गए उनके द्वारा ठीक है छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोकने का प्रयास किया गया कहां पर पहाड़ी पर फिर वहां पर बारिश का इंतजार उन्होंने किया फिर उन्होंने देखा कि बारिश जैसे ही आई बारिश का सारा पानी जो टंका जो है वहां पर उसमें एकत्र हो गया अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जब बारिश बंद हुई तो टंके में जितना भी पानी एकत्र था वो धीरे धीरे करके लोगों के द्वारा यूज किया गया और आसपास के पेड़ पौधे और सब कुछ वहां पर हरियाली वापस आ गई तो ये होला जो गाँव है इसके बारे में इसलिए बताया जाता है क्योंकि यहाँ पर बच्चों की मेहनत रंग लाई थी बच्चों ने इतनी मेहनत करके उस टंकी को सफाई करवाई उसके बारे में जाना कि आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है इसीलिए ये वाला जो भीमा है आज भी है ये यहाँ के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस ग्रुप से जुड़ते रहते हैं और आसपास में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं रिलेटेड टू इन्वामेंट उसको दूर करने का ये प्रयास करते हैं चलिए इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे क्योंकि चैप्टर 19 से लेकर चैप्टर 26 तक हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट करके एन की जो क्लास फोर्थ की बुक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर अपने होमवर्क क्वेश्चन को ले सकते हैं होमवर्क क्वेश्चन आपको डेली के डेली ही आंसर करना है होमवर्क क्वेश्चन एक दिन पहले आपको मिल जाता है और आपको उसका आंसर कमेंट में जाकर करना होता है और आप आपके आंसर जो इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो मिल जाती है ठीक है चलिए मिलते हैं शाम वाले सेशन में थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन और सेशन अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में थैंक यू